Ireland. तो फाइनली गाइस आज का है दिन WWE सुपरस्टार स्पेक्टेकल इवेंट के लिए जिसका हम पिछले एक डेढ़ महीने से इंतजार कर रहे हैं। अब मैं निकल रहा हूँ सीधा अरीना के लिए जहाँ पर सुपरस्टार स्पेक्टेकल होने वाली है। ऑलरेडी सेथ रॉलिंस आ चुके हैं, ड्रू मैकइंटायर आ चुके हैं, रिया रिपली आ चुकी है, जॉन सीना के बारे में हमको अपडेट मिली है। एंड गाइस आज मैंने अभी मेरे को ये पता चला कि अरीना पर जो स्टॉल है वहां पर एक्सक्लूसिव कुछ मर्चेंडाइज है जो कि सिर्फ इसी इवेंट के लिए है। तो मैं ये नहीं चाहता कि मेरे को लेट हो जाए, इसलिए मैं जा रहा हूँ। मीटअप का वैसे मैंने सोचा था कुछ करूंगा, लेकिन क्योंकि टाइम का ऐसा है कि मुझे बाकी दूसरी एक्टिविटीज के लिए भी जाना है, तो फिर अब वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो सकती। इवन अभी जो टाइम है वो हो रहा है 3:11। तो अभी मैं जल्दी से यहाँ से निकलता हूँ एंड देन आपको पूरा इवेंट कवर करके दिखाऊंगा, कुछ इस वीडियो में और कुछ बाकी डेडिकेटेड वीडियो में। आपको पूरा घर से एक्शन मिलने वाला है मजेदार। अरे एक चीज दिखाना मैं भूल गया कि मैंने ये जो मर्च बनवाई थी हमने वो पहनी है, इवन उसने भी यही पहनी हुई है, मैंने भी अंदर से ही पहनी है उसके दिल। ओके गाइस सो वी हैव अराइव्ड एट द अरीना। कैसा लगा ऐसे बोलने में? अरीना कहाँ है अभी, तभी तो बहुत दूर है, एकदम सिक्योरिटी देखो भाई, यहाँ पर सिक्योरिटी भी काफी तगड़ी वाली है। तो हमने सुपरस्टार स्पेक्टेकल अरीना यानी कि गाचीबोली इंडोर स्टेडियम के मेन गेट से एंट्री कर लिया। अभी हम आगे जो मतलब मेन गेट मतलब कि जो बड़ा वाला गेट होता है, अब वो अंदर उधर आपको नजर आ रहा है वहाँ पे देखो सुपरस्टार स्पेक्टेकल सारे लोगों की भीड़ जमा है। अब यहाँ से अंदर सीधा हम एंट्री करने वाले हैं इवेंट। तो अभी जैसे मैं कह रहा था कि अरीना के पास जो है मर्चेंडाइज मिल रही है, पीछे ये वाली वो जगह है, लेकिन जब मैंने यहाँ पर प्राइस टैग्स देखे हैं तो कुछ चीज़ों के तो सही है। जैसे मैंने भी रेप्लिका जो बेल्ट खरीदी उसके प्राइस बाहर से शिप करवाने में उसके ज़्यादा होते हैं, बट यहाँ पर अगर आप अभी इसके प्राइस देखोगे तो देख रहे होगे जो बेल्ट है वो 3000 की है। ऑफिशियल इवेंट टी शर्ट कोई दिखाने तो मुझे 1000 की है, और थोड़ा और पास से जॉन सीना लिमिटेड 2000 शर्ट बैंड 15। भाई जॉन सीना नहीं पूरा करा हुआ, और सेथ रॉलिंस का हैंड साइन पोस्टर 1500 का है, तो मतलब जॉन सीना का ऐसे साइन किया हुआ पोस्टर भी खरीदा जा सकता है, बट वो टी शर्ट के प्राइस थोड़े से ज़्यादा हैं। बट कोई बात नहीं यार, अब इवेंट में आए लोग ऑलरेडी इतने पैसे खर्च करके। भाई पुलिस सच में इतनी है यहाँ पे, ऐसा लग रहा है कि इवेंट देखने के लिए फैंस आए हैं या फिर पुलिस आई है। मर्चेंडाइज काफ़ी सारी है, लेकिन हम जो है सिर्फ दो मर्चेंडाइज खरीद रहे हैं, पिक्चर दिख रहा होगा आई वॉज देयर वाली, तो दो मर्च ले लिया yes, और ज़्यादा इतने पैसे हमको खर्च करने नहीं, ऑलरेडी बहुत खर्च गए। तो ये हमने दो मर्च ले लिया, और वैसे मैं इससे पहले भी जो मैच देखने गया था IPL का, वहाँ पे भी 3,500 की जर्सी थी, और ये ऑफिशियल वाली है जब मैंने इसको पकड़ के देखा। तो आई थिंक ऑफिशियल वाली मतलब कि ऑफिशियल भी दो तीन तरीके की हो गई है, इतनी सारी मर्च पहन के मुझे पता चला है, लेकिन ये ऑफिशियल वाली क्योंकि लिखा है वहाँ पे ऑफिशियल मर्चेंडाइज, तो ठीक है भाई जॉन सीना खुद आ रहा है देने तो ऑफिशियल, लेकिन बहुत सारे सुपरस्टार्स की नहीं है, कम की है मुझे लग रहा है बाद में आएगी, पहले आई थिंक जॉन सीना का कलेक्शन निकाल रहे हैं। तो ये जो सामने दिख रहा है आपको, जैसे मैंने आपको कल दिखाया था, ये अरीना है, और फिलहाल जैसा हमको पता चला है अभी 4:30 बज रहे हैं, और ऐसा एक PDF में मुझे नोटिफिकेशन मिला कि मीट एंड ग्रीट वाला सेशन है, बट अभी मैं कंफ्यूज हूँ कि मेरा मीट एंड ग्रीट मेरी इलीट टिकट में तो है, लेकिन साथ में जो मेरे को VVIP एक्सेस की बात करी गई है वो क्या है, तो वो तो अभी अंदर चल के ही पता चलेगा मेरे को। बट जैसा मैंने कहा हर जगह भाई पुलिस ही पुलिस। हमारे पास इलीट टिकट होने का पहला एडवांटेज मिला हमें, और हम झोला लेके जा रहे हैं कि हमको इलीट टिकट मिल चुकी है, लेकिन फायदा क्या, फिर भी रहे तो हम झोले पे ही गए। तो हम हमारा इलीट गेट है उस पर चलते हैं और देखते हैं अंदर एक्सेस अपनी। ओके तो यहाँ पे बोर्ड है VIP इलीट का, यहाँ पे ये भी बोर्ड है, और यहाँ पे जा रहे हैं VIP लोग अपनी मीट एंड ग्रीट के लिए। ये सब कुछ फैसिलिटी है यहाँ पे, ये सारे इंस्ट्रक्शन वगैरह मैंने कल ही पढ़वा दिए थे, और आज मैं कल के कंपैरिजन में आ रहा हूँ तो काफ़ी भरा भरा लग रहा है सब कुछ। तो भाई हमारे एक्चुअल में रोमन रेंस आए हैं यहाँ पे, रोमन रेंस। तो फिलहाल मेरे को VVIP के अंदर एंट्री मिल गई है, और ये कुछ बैंड मिला है, एंड चलते हैं अंदर, लेट्स सी किस किस से मिलते हैं। भाई देखो कौन खड़ा है वहाँ पे, ड्रू मैकइंटायर। And Imperium Gunther. This is amazing. तो ये देखो गाइस, ये है अमेरिका की सिक्योरिटी। और मैं तो कह रहा हूँ WWE सुपरस्टार्स को भी सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश है यहाँ पे, इवन VVIP वाले एक्सेस में भी ये हाल है। एंड वहाँ पे तो ये देख सकते हो मैं फाइनली अरीना के अंदर एंटर कर चुका हूँ, और जैसा कि हमको पता ही था सब कुछ है सोल्ड आउट। यहाँ पे जो अभी इवेंट है वो शुरू नहीं हुआ, अभी टाइम हुआ है लगभग
सात बजे नहीं है अभी, 7:30 बजे से शो शुरू होगा, लेकिन ये एटमोसफेयर बहुत अलग है। अगर सिर्फ वहाँ पे क्लिप्स भी चल रही है ना वहाँ पे स्क्रीन पे, तो ऐसा फील हो रहा है पूरा कि मतलब लोग अभी से चैंट्स और चिल्ला रहे हैं। तो मैं इमेजिन नहीं कर रहा हूँ कि जब एक्चुअल में सुपरस्टार्स वहाँ पीछे रिंग के अंदर होंगे तो क्या माहौल होगा, क्या सीन होगा। भाई साहब अभी अभी सिर्फ क्लिप चलाई थी वहाँ पे जॉन सीना की, और जो रिएक्शन आया क्राउड का, जो चीज़ आज तक सिर्फ टेलीविजन पर देखी और सुनी है वो फील हुई, कैसे समझाऊं और कैसे बताऊं। तो मैं थोड़ा सा पीछे से आ गया आपको दिखाने के लिए, वहाँ पे आपको वो रिंग नज़र ही आ रही होगी, और अभी मैं रिंग साइड पे जाऊंगा, और लोग अभी सिर्फ वीडियो क्लिप ही चल रही है तो ही उस पर चिल्ला रहे हैं, ऐसा मैं कह रहा हूँ बार बार। पूरा नज़ारा यहाँ से देख ही सकते हो, और अभी यहाँ पे बहुत सारे लोग आने बाकी हैं, ऐसा नहीं, ऐसा मत सोचना कि ये खाली है, अभी लोग अंदर एंट्री करेंगे क्योंकि अभी इवेंट का टाइम हुआ नहीं है। लोग वहाँ पे वीडियो चल रही है तो चिल्ला रहे हैं, वो भी भयंकर, देखना ये देखो, ओ ओ लेट्स गो। अभी मैं वीडियो, मुझे नहीं पता मेरी कितनी आवाज़ आ रही है, लेकिन मैं पूरा बेस्ट करूँगा कि मेरी आवाज़ है, थोड़ा रिंग के पास का एरिया आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। रिंग साइड पर जाके तो मैं बैठूंगा ही, लेकिन पहले रिंग के पास का दिखाता हूँ। यहाँ से आप देख सकते हो डब्ल्यूडब्ल्यूई रिंग, मेरी सीट अभी उधर है, लेकिन मैं अभी वहाँ जा नहीं रहा क्योंकि वहाँ चला गया, तो एंट्री इधर माना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, वहाँ पे शायद आपको जगह मिलेगी। और यहाँ पे ये स्क्रीन है, पीछे का कुछ ऐसा माहौल है, और ये लोग बहुत चिल्ला रहे हैं भाई, 5-6 लोग कम नहीं होता, वो मुझे यहाँ पे आके पता चल रहा है। और अगर कहीं गलती से कैपेसिटी ज़्यादा हो गई तो वी कैन ओनली इमेजिन। वी हैव बीन फॉलोइंग यू फ्रॉम 2018 से। हेलो गाइस, यू आर वाचिंग रेसल चैटर। यहाँ पे जॉन सीना आया यहाँ पे, और यहाँ पे अपने कोई भाई साहब बैठे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के, और अगर इन्होंने जॉन सीना चाहिए बस, तो अभी यहीं पर बिल्कुल जॉन सीना, ड्रू मैकइंटायर, सेथ रॉलिंस का हर कोई परफॉर्म करने वाला, अभी वहाँ पे सिर्फ स्क्रीन चल रही है। अल्ट्रा वाइड से दिखाऊँ तो पीछे का पता नहीं मेरी आवाज़ कितनी आ रही है फिर नहीं, लेकिन यही है भाई जो है। Are you guys ready for the show? Yeah! बैठे हैं और सारा स्ट्राइबर जो कि विंग अनाउंसर है, yeah!
तो अभी पहला ही मैच हुआ है, हालत बिल्कुल खराब हो गई है, लेकिन ये बैरिकेड बताओ आपको काफी पीछे साइड से हमारे लिए मुश्किल है, यहाँ पे कुछ चुभने का है, बट इस बैरिकेड को आज टच करके फील हो रहा है। यहाँ पर ये इधर इधर दिखा रहा सब्सक्राइबर एंड यहाँ पे ये रिंग साइड गाय है और इनको सारा सामान दिया जा रहा है, जो भी सुपरस्टार आ रहा है ना लड़ने के लिए, उसका अपना कपड़ा वपड़ा जो भी उतारना है। भाई इस इंडोर स्टेडियम में जितना मुझे लगता है एसी है काफी है। शैंकी के लिए बड़े इंडियन चैंट लग रहे हैं, शैंकी गलत बंदे से पंगा, शैंकी को बोले लस्सी पियो वे। अभी इंटरमिशन चल रहा है और आवाज के ऑलरेडी तोते उड़ गए हैं, थोड़ा बहुत पानी पीने की जरूरत है, तब तक हमारे यहाँ पे कुछ यार दोस्त आए उनके साथ सेल्फीज वगैरह खींचेंगे एंड अभी जॉन सीना का आना बाकी है। तो भाई हमको अभी ये भाई मिले और जरा अपना हाथ दिखाना, इन्होंने अपने हाथ में डब्ल्यू डब्ल्यू का टैटू ही करवा लिया भाई, वो भी पुराना। पता चलने दो इंडियन फैंस को कि हैदराबाद में आप कितने बड़े फैंस हो। भाई पूरी मर्चेंडाइज ही करवा के आएगा, पता नहीं है लाइट की कंडीशन क्या है। आपने जॉन सीना हमसे बड़ी कराया है, लेकिन मैंने सिर्फ ब्रेसिंग चार्टर का कराया है। ओह वाओ। तो अभी मैं अपने इस वीआईपी वाले जोन में आया हूं, तो यहां पर एक भाई मिले जिनके पास 2005 में खरीदी हुई ये स्पिनर वाली बेल्ट है, लिखा भी है देखो 2005। यहाँ पे बिल्कुल तगड़े तगड़े हार्डकोर वाले फैंस हैं, बाकी यहाँ पे पूरा खाना पीना सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं वीआईपी सेक्शन में। आई थिंक अब शुरू होने वाला है मैच, तो हमको जाना पड़ेगा जल्दी से, हमको जाना पड़ेगा। आवाज की बैंड बजी है, आवाज की तो बैंड पूरी बज चुकी है, अभी जॉन सीना आने वाले हैं तो और भी बज जाएगी बैंड, इसीलिए थोड़ी सी एनर्जी ले रहे हैं, एनर्जी ले रहे हैं ताकि कंटिन्यू कर पाए आगे। तो मैं थोड़ा ड्रिंक्स वगैरह लेने के लिए आया हुआ था, यहाँ पे मैच ऑलरेडी ओडिसी जोन्स एंड रॉन बेकर का शुरू हो गया है, तो थोड़ा सा पीछे से भी मेरे को व्यू मिल रहा है, बट नाउ आई एम गोइंग। यहाँ से देखो कैसा लग रहा है, थोड़ी ग्रीन ग्रीन लाइट भी डाली हुई है। Yeah!
का दांत टूटा है क्या यहाँ पे? ये क्या है? Thank you.
Loud. This crowd. You got the answers. Yes, we are loud. तो यहाँ पे मैच चल रहा है और इतना तो चेतन हम कह सकते हैं. Almost 4-5 मिनट तक तो कुछ हुआ ही नहीं. सेट का ये और सीना के साथ सीना का गाना और अभी भी लोग रुक नहीं रहे. मैच में मुझे लग रहा है किसी का फोकस है. पहली बार बोलने से पसीना है बहुत ज़्यादा. हालत आप देख ही सकते हो. ये हमको यकीन नहीं हो रहा. मतलब अब मुझे पता चला वो पिंच करके बताना क्या होता है. ये सामने है. अरे सामने है. क्या है ये. भाई जॉन सीना और सेथ रॉलिंस पे इतना फोकस है कि पता ही नहीं चला बाकी के दो सुपरस्टार्स कौन है. नहीं पता. इंपीरियम काइज़र विंची भूत यार. भाई जॉन सीना को रिंग में जाने की जरूरत नहीं है. रिंग साइड से ही फुल एंटरटेनमेंट है. एप्रिल पे रह के भी मजा आ रहा है. सेविंग सेविंग डू समथिंग डू समथिंग डू समथिंग.
It's brief, but what I have to say tonight WrestleMania. Means a whole heck of a lot to me. Woo! We want WrestleMania. Thank you for allowing me to be here tonight. Thank you. Thank you. You know, sometimes we feel something inside that grabs us emotionally and we feel like we're alone. I want to share this with y'all, and you can let me know if I'm alone or not, but I'm just going to share it anyway. I've been imagining this moment right here for 20 years. By saying this moment is far greater than I could have ever imagined. Thank you. देखो मैं ऐसे ब्लॉग बना रहा हूँ तो आप आ जाओगे ये देखो थोड़ा सा अच्छे से स्माइल कर रहे हैं बैठक में जाएंगे तो भाई यहाँ पे पीछे भीड़ देखो ये सुपरस्टार स्पेक्टेकल के बाहर निकलने के बाद आई है और मैं तो एक कार के पीछे छुपा हुआ हूँ इसी तरीके से और बहुत अच्छा हुआ कि मैंने मीटअप नहीं किया मीटअप हुआ होता तो आई वॉज देयर फ्राइडे सितंबर 8, 2023 सो दैट वॉज माई ब्लॉग मैंने पूरी कोशिश करी कि आपको वो एक्सपीरियंस दो जो कि मैंने फील किया बहुत सारी चीज़ मैंने अभी नहीं शेयर करी वो धीरे धीरे मैं अपने और वीडियोज़ में इंस्टाग्राम ट्विटर पर करूँगा बताना मुझे आपको मेरा सुपरस्टार स्पेक्टेकल का एक्सपीरियंस आपको अपनी आंखों से देख के कैसा लगा और अगर आपने इस वीडियो को एंजॉय किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना WWE से जुड़ा कंटेंट इस चैनल पे आता रहता है तो उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और फॉलो कर सकते हो मैंने आपको बता दिया एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो